अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस हिना शबीर के साथ। नाजरीन आपको बताते चले कि जम्मू श्रीनगर शहरा पर कई दहाइयों से गिरते पत्थरों की वजह से खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहे पांथार से आजादी मिल गई है। बिलाखिर 3 साल की तवील इंतजार के बाद पांथार की डी फाइव टनल सपहर करीब 3:30 बजे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इस टनल पर 2022 में काम शुरू किया गया था। अभी इसका सिर्फ एक ट्यूब तैयार हुआ है जहां से दो तरफा ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल किया गया है, जबकि दूसरा ट्यूब अभी जेर तामीर है। जम्मू श्रीनगर शहरा पर पांथार सबसे खतरनाक जगह है जहां किसी भी वक्त पत्थर गिर सकते हैं। धूप हो या बारिश, पांथार में अचानक पत्थर गिरने से अमौत हो रही है। पांथार अपने अंदर खौफ की तवील तारीख है जिसने आज तक कई घरों को उजाड़ दिया, कई माओ की गोद खाली की है। शहरा पर वाका मकरकोट के नजदीक पांथाल को बाईपास करके दो तरफा ट्रैफिक को टनल T5 से छोड़े जाने के मौके पर टनल से गुजर रहे ड्राइवरों और मकामी लोगों की खुशी की कोई इंतहा ना थी और वो तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। पिछली करीब 3 दहाइयों से पांथाल हजारों मुसाफिरों, मकामी लोगों, सरकारी मुलाजमीन, कॉलेज तलबा तलबात और इंतजामिया के लिए दर्द सर बनी रही और तामीरियाती कंपनियों को भी इसने मुश्किलात में डाले रखा। 2015 यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उधमपुर बानहाल सेक्टर में ताखिर के साथ हुए 4 लेन शहरा के काम की रस्म इब्तदा की थी और तब से अब तक पांथाल तामीरियाती कंपनियों, महकमा ट्रैफिक और पुलिस के लिए एक चैलेंज बना रहा और यहां ट्रैफिक का मुतासिर होना और गाड़ियों पर पत्थर गिरना और मुसाफिरों का जख्मी होना मामूल था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पांथाल में गिरने वाले पत्थरों की रोकथाम के लिए यहां मुसाफिरों की हिफाजत के लिए एक आरजी सेटल टनल भी तामीर की जो कई बार गिरते पत्थरों की वजह से तबाह होकर नीचे नाला बछली में गिर गई। लेकिन इस सेटल टनल से कुछ हद तक इंसानी जानों की हिफाजत यकीनी बन गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सेटल टनल पर इस कदर भारी पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहा कि ये कई बार तबाह हुई और हाल ही में ये लोहे की टनल भी तबाह हो गई। पांथाल के तबादल के तौर पर यहां 880 मीटर की लंबाई वाली टनल नंबर 5 की तामीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जेरी कंट्रोल CPPL नामी तामीरियाती कंपनी ने 2 साल के अरसे में मुकम्मल की है और इसमें 200 से ज्यादा मजदूरों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के मशीनरी और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे थे। पांथाल टनल को ट्रैफिक के लिए खोलने के मौके पर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई क्योंकि सरकारी तौर पर इसे अभी ट्रैफिक के लिए खुला छोड़ना बाकी है। टनल से दोनों तरफ ट्रैफिक गुजर रहा है। टनल मुकम्मल होने से जम्मू श्रीनगर शहरा पर सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर लिया गया और इससे हजारों मुसाफिरों को राहत की सांस नसीब होगी क्योंकि पिछली 2 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से पांथाल के मकाम पर गिरते पत्थरों की वजह से बहुत सारे लोगों की कीमती जानें चली गई और अब इस रामबन मकरकोट बानहाल के दरमियान शहरा की नई सर्वे से बनने वाली कई टनल, फ्लाई और पल सफर को मजीद आसान बनाएंगे।